हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको है ना बहुत अच्छा बेस मेकअप बताने वाली हूँ जो खासकर आप ब्राइडल्स के ऊपर कर सकते हो। तो उससे पहले आप लोग मेरे बाल देख सकते हो। आज मैंने यूज़ किया है, हमारा जो न्यू कंडीशनर आया है उसको, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो प्लीज़ उसको यूज़ करके देखिए। तो चलिए हम हमारा बेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है स्किन फॉर्मर 9 का मिस्ट, और मिस्ट लगाने से हमें एक तुरंत ना एक कूलिंग इफेक्ट मिल जाता है। और हल्के हाथों से इसको डैप कर लो। सेकेंड जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, स्किन फॉर्मूला 9 का इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास हाइड्रेशन क्रीम नहीं है तो आप एश्योर का डेली मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो, पर मॉइस्चराइज़र या हाइड्रेशन क्रीम लगाने में हम बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। आप देख सकते हो मॉइस्चराइज़र लगाते ही, हाइड्रेशन क्रीम लगाते ही मेरी स्किन ना कितनी अच्छी तरीके से शाइन कर रही है। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों के पास ये होता है कि जब भी वो मेकअप करते हो ना तो उनकी स्किन ना थोड़ी सी ग्रे टोन में कन्वर्ट हो जाती है या हमारी स्किन में पैचेस आ जाते हैं। अगर आप हाइड्रेशन को अच्छे से कवर करोगे तो आपकी स्किन में वो पैचेस नहीं आएंगे, ना ही जो आपका मेकअप है वो ग्रे टोन में कन्वर्ट होगा। इसके बाद जो मैं थर्ड प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ वो मैं अप्लाई कर रही हूँ हमारा मिस्टर मिलान का फाउंडेशन। इसको भी बहुत कम क्वांटिटी में हमें अप्लाई करना है। और हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करोगे ना तो फिंगर से ही प्रोडक्ट लीजिएगा, क्योंकि हमें ना प्रोडक्ट को सही तरीके से पता होता है कि हमें कितना क्वांटिटी में हमारे फेस के ऊपर अप्लाई करना है। इसके बाद ना मैं ब्रश की हेल्प से उसको ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपको ब्रश की हेल्प से उसको ब्लेंड नहीं करना है तो आप यहाँ पर ना स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं। मगर ध्यान रखिएगा एक चीज़ हमेशा, जितना प्रोडक्ट आप लोगे ना उससे दो गुना ज़्यादा आपको उसको ना ब्लेंड करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा फिनिशिंग आपके फेस के ऊपर रहेगी आपका ना बेस मेकअप उतना ही ज़्यादा शानदार होगा। और आप देख सकते हो ना मेरा फाउंडेशन कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है। हाँ जी, अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हमारा प्राइमर। ये थोड़ी सी उल्टा है क्योंकि हमेशा हम पहले प्राइमर यूज़ करते हैं, मगर ये ट्रिक ना बहुत अच्छी है और ख़ासकर ब्राइडल्स के ऊपर। आप नोज एरिया मेरा देख सकते हो ना, चमक गया है बिल्कुल। तो ब्राइडल को ना हमें हमेशा हमें देना होता हैवी लुक, ओके। या शादी में भी हम जाते हैं ना तो हमें हैवी कवरेज देना होता है। तो इससे क्या होगा, अब ये देखो मेरे हाथ पे बिल्कुल भी नहीं चिपका हुआ है, इससे मेरा लुक भी हैवी हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं अगेन फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। आप ये सोच रहे होगे मैम क्या कर रही हैं, मैंने जैसे ही बोला एक न्यू ट्रिक है जिससे मेरा जो मेकअप है ना थोड़ा सा हैवी दिखेगा, मेरा जो कवरेज है ना वो हैवी दिखेगा। मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया, मिस्ट मारा, क्योंकि क्या है ना गर्मी बहुत है तो मेकअप को ना सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारा मिस्ट ना सेटिंग स्प्रे की तरह भी बहुत अच्छे से काम करता है। अब आप देखो जो भी मैंने स्टेप फॉलो किया है, आप इस तरीके से करोगे तो आपका सेम ऐसा ही बेस मेकअप बनेगा। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि मैम हमारा बेस ना ख़राब हो जाता है। तो मैंने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं किया है, बिल्कुल भी कट नहीं किया है। मैं कंटिन्यू इस वीडियो को बनाया ताकि आप देख सकते हो कि है ना मेकअप को हमें कैसे रेडी करना है। और यस, मैं इसको ब्रश की हेल्प से ही हमारा ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद ना मैं इसको हमारे ब्लेंडर से भी इसको करूँगी, पर मैंने पहले ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ना स्किन में मर्ज कर लिया है। और आप डिफरेंस देख सकते हो और कवरेज देख सकते हो, कितना परफेक्ट दिख रहा है। कहीं से कहीं तक फेस के ऊपर कोई निशान नहीं दिख रहा है। और ट्राई करूँ, कभी भी ड्राई स्पंज हमें हमारी स्किन के ऊपर नहीं करना है। हल्का सा ना मैं इस पर मिस्ट मार लूँगी, देन इसको मैं अच्छे से फिर ब्लेंड करूँगी। और आपको जहाँ भी लगता है कि मेरी स्किन जहाँ से ज़्यादा ग्रे में कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं उस जगह पे ज़्यादा करो, क्योंकि मेरे को जो प्रॉब्लम होती है वो नोज एरिए और मंकी माउथ एरिए पे होती है। तो मैं उस जगह पे ज़्यादा अच्छे से इसको ना डैब कर रही हूँ। और आप देख सकते हो मैंने अंडर आईज के नीचे भी किया है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर लाइनिंग आती है फाउंडेशन की तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो मंकी माउथ एरिया, नोज एरिया और मेरा अंडर आई एरिया, ओके, आप उस जगह पे अच्छे से इसको थोड़ा हल्के हाथों से डैप करोगे। और जो भी बॉडी का पार्ट आप एक्सपोज कर रहे हो वहाँ पर भी इसको आप अच्छे से कवर करोगे, ओके। तो ये ब्राइडल के अगर आप मेकअप करोगे या खुद के लिए शादी में मेकअप करोगे तो बहुत ज़रूरी है। अब आप देखो कहीं से कहीं तक ये नहीं लग रहा होगा कि हमने कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई किया है। इसके बाद अभी जैसे गर्मियाँ बहुत है, जिनकी ऑयली स्किन होती है या जिनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो ये उन लोगों के लिए तो मैंडेटरी है। वैसे
सभी को अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ हमारा पर्ल कॉम्पैक्ट। पर्ल कॉम्पैक्ट का तो आप सभी को रिजल्ट पता है कितना परफेक्ट लगता है। और आप देखो मेरा जो एक लुक है ना, वो ड्राई जो मैट लुक बोलते हैं उसमें कन्वर्ट हो चुका है। और जो मैंने बेस मेकअप किया है, बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरी स्किन ड्राई होगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कॉम्पैक्ट लगाने के बाद ना स्किन ड्राई हो जाती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और देख सकते हो आप मेरी स्किन में कितनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। और यहाँ पर अब मैं हमारा जो आईब्रो ड्यू है उसकी हेल्प से ना मेरी आईब्रो को मैं कवर कर लूँगी। और पॉइंट से ही हमेशा हमारी आईब्रो को हमें यू स्टार्ट करना है, शेप देना, तो उससे बिल्कुल परफेक्ट शेप होता है। तो मेरी दोनों आईब्रो को ना मैंने बहुत अच्छे से शेप कर लिया, आप देख सकते हो। अब बारी आती है आईज़ पे हम क्या करेंगे। तो अभी जो मेकअप चल रहा है ना, वो आईलाइनर का चल रहा है। तो यहाँ पर मैं हमारा विलिनो का जो न्यू आईलाइनर आया है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। मैं सच बता रही हूँ आपको, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जेल बेस है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वीगन है। तो और इम्पॉर्टेंट के बहुत इसका जो ब्रश का शेप है ना, बहुत अच्छा है। तो जिनको लाइनर लगाना नहीं आता है ना, वो भी बहुत अच्छे से आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा मोटा आईलाइनर लगाया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। हाँ भाई, लास्ट का थोड़ा सा ना विंग बिगड़ गया था, तो मैंने फिर से इसको लगाया हुआ है, क्योंकि लाइनर एक बार में तो बिल्कुल परफेक्ट लगता नहीं है। मेरा जो हमेशा फेवरेट प्रोडक्ट रहा है वो मस्कारा रहा है। मस्कारा जब भी आप अप्लाई करोगे, डबल या ट्रिपल कोट में लगाओगे। अब यहाँ पर एक ट्रिक और, अगर आपको क्रीम कॉन्टोर करना है, क्रीम ब्लश लगाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्रीम मेट लिपस्टिक 002 ली है, उसको भी हल्का सा हम डैमेज करेंगे, बिल्कुल ज़रा सा ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी, आप क्वांटिटी देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पर लिया है 004 जो हमारा रॉयल पिंक कलर, उसको भी हम ज़रा सा लेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेंगे, थोड़ा सा प्रोडक्ट ब्लेंड करेंगे हम। मैंने प्लेट पे ही किया, आप चाहो तो हाथ पे भी कर सकते हो। थोड़ा सा उसको हल्का सा कम क्वांटिटी करेंगे और हल्के हल्के हाथों से हमें जहाँ पर लगता है हमें कॉन्टोर करना है, मैं वहाँ पर उसको अप्लाई कर रही हूँ। और आप भी कुछ इस तरीके से करेंगे, और ध्यान रखिएगा क्वांटिटी कम लेनी है। तो आप देखिए मैं किस तरीके से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। पहले मैं अपर डायरेक्शन में इसको कर रही हूँ, फिर मैं इसको हल्के हाथों से ना ब्लेंड कर रही हूँ। तो ये देखिए, कौन बोलेगा बताओ, मैंने मेहरून कलर से कॉन्टोर कर लिया है, और रियल में भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि परफेक्ट इससे कॉन्टोर हो गया है, आप देख सकते हो कितना इफेक्ट दिख रहा है। ओके, तो आप इस लिपस्टिक से कॉन्टोर भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, एंड लास्ट में इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पर जैसे मैंने 004 जो हमारा पिंक कलर है उसको लिया, हल्का सा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अगेन इसको भी मैं पहले अपर डायरेक्शन में लूँगी, फिर थोड़ा सा नीचे उसको लूँगी लोअर डायरेक्शन में, फिर इसको राउंड राउंड करके ना मैं इसको ब्लेंड करूँगी। अब आप देखो कितना परफेक्ट लुक दे रहा है ना। मेरा कॉन्टोर भी मैंने लिपस्टिक से किया है, मैंने हमारा जो ब्लश है वो भी मैंने लिपस्टिक से किया। आप डिफरेंस देख सकते हो मेरे दोनों गालों पे। मैंने बिल्कुल भी इसकी वीडियो नहीं किया है, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। हाथ में जो मेरा कलर लगा हुआ था वो मैंने नोज़ के ऊपर अप्लाई कर लिया है। अब कुछ लोगों को लगता है कि मैंने क्रीम कॉन्टोर किया है तो उसको थोड़ा सा मैटी लुक देना है ताकि ख़राब ना हो, तो अगेन मैंने यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर ना जो मैंने ब्लश एंड कॉन्टोर किया है उसके ऊपर लगा लिया है हल्के हाथों से, ज़्यादा नहीं लगाना है। तो क्योंकि क्या होगा, मेरा जो ब्लश है वो ख़राब होने के चांसेस थे, तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इसके बाद मैंने सेम दोनों लिपस्टिक 004 और 002 मैंने लगाया हुआ है। मुझे तो जब मैं वीडियो बना रही थी ऐसा लग रहा था आज लिपस्टिक को लगना ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, बट फाइनली मेरा लिपस्टिक लग ही गया है। और ट्राई कीजिए, अभी क्रीमी लिपस्टिक अप्लाई कीजिए। तो ये मेरा लुक रहा। आप वेडिंग में जा रहे हो, अब ब्राइडल मेकअप कर रहे हो, पार्टी में जा रहे हो ना, तो आप इस तरीके से बेस अपना रेडी कीजिए, आपका बेस हो गया सेट। एंड बालों को भी सेट कर लेते हैं हमारा सीरम से जो हमारा न्यूली लॉन्च हुआ है। आई होप एवरीवन आपको ये वीडियो ना बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।